नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम HTML के कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे। इसमें आज हम जानेंगे फ्रेम्स और जो डिव टैग है, ये कुछ HTML में टैग्स हैं जिनके द्वारा आप HTML डॉक्यूमेंट के अलग अलग ब्लॉक्स क्रिएट करके, या जैसे अगर आप चाहते हैं कि हमारे ब्राउज़र में एक साथ दो HTML फाइल्स डिस्प्ले हो जाएं, तो उनके लिए ये टैग्स हैं, राइट? तो सबसे पहले हम HTML के फ्रेम टैग को जानेंगे। इसके लिए फ्रेम सेट टैग है, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है कि अगर हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि मान लीजिए जैसे आपने HTML पेज बनाया, अब उसमें आपने कोई हेडिंग, एक पेज है मान लीजिए कुछ इस तरह का, जिसमें आप यहाँ पर लोगो या आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो सब दे रहे हैं, यहाँ पर कोई पिक्चर आपने लगा दी, यहाँ फिर आपने कुछ नाम दे दिया, यहाँ पे आपने एक लॉगिन का फॉर्म दे दिया, मान लीजिए इस तरह की कोई आपकी आपने पेज क्रिएट करा। अब जब आप वेबसाइट बना रहे हैं, आप सोचेंगे कि इस तरह का चीज हमेशा टॉप पर आती रहे और नीचे क्या आते रहे, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आते रहे, राइट? मान लीजिए इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक वेबसाइट हम बना रहे हैं और हमने एक पेज बनाया, इस मान लीजिए ये हमारा होम पेज ही है, तो इस होम पेज पे क्या है, हमने यहाँ पर लोगो दे रखा है, पिक्चर दे रखी है कोई, यहाँ पर हमने फिर कोई पिक्चर दे रखी है, यहाँ पर हमने वेबसाइट का नाम लिख रखा है, राइट? यहाँ पर हमने एक फॉर्म दे रखा है लॉगिन करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बटन्स आ रहे हैं, अलग अलग लिंक्स आ रहे हैं बेसिकली, जैसे आपके किसी पेज पर जाने के लिए, तो ये अलग अलग लिंक्स यहाँ आपने दे रखे हैं, और नीचे आपके कुछ आर्टिकल्स हैं। अब जब आप दूसरी वेब पेज बनाते हैं, दूसरे वेब पेज में भी आप चाहते हैं कि इतना जो ये पोर्शन है, ये इतना पोर्शन उसमें भी डिस्प्ले हो, नीचे तो कुछ और होगा। मान लीजिए आपने खोला, आपकी स्कूल के बारे में ही ये मान लीजिए वेबसाइट है, स्कूल के ऊपर आपकी वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा एडमिशन, तो नीचे सब चीजें क्या आएंगी, एडमिशन रिलेटेड आएंगी, लेकिन ऊपर यही चीज आती रहे, स्कूल का लोगो, स्कूल की कोई पिक्चर, स्कूल का नाम, यहाँ पर लॉगिन फॉर्म और ये लिंक्स अलग अलग, ये तो ऐसा का ऐसा रहे, नीचे एडमिशन से रिलेटेड आ जाए, कोर्स पर क्लिक करें तो कोर्स रिलेटेड चीजें आ जाए, लेकिन ऊपर का पार्ट यही रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, एक पेज आप क्रिएट कर लीजिए इस तरह का, इतना ही, लेट से ये आपने इतना पेज जो है बना लिया, एक हेडर नाम दे दिया आपने इसको, header.html, और नीचे आपका ये पेज आ ही रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप हमेशा ऐसा ही रखिए, केवल नीचे का जो पेज है वो चेंज करते रहिए, जैसे पहले यहां पर आ रहा है अबाउट अस .html, जब यूजर यहां पर चुने कोर्स या एडमिशन, तो यहां पर नेक्स्ट पेज कौन सा आ जाए, admission.html, कोर्स चुने तो course.html आ जाए। मान लीजिए इस तरह का आप कुछ करना चाहते हैं, या कोई और इस तरह की रिक्वायरमेंट है जहां आप चाहते हैं कि एक ब्राउजर में आपके तीन HTML या दो HTML पेजेस अलग अलग रोज या अलग अलग कॉलम्स में विभाजित होकर दिखाई दे, यानी कि एक ब्राउजर विंडो है और उसको हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके उन अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग HTML पेज दिखाना चाहते हैं, तो वह चीज फ्रेम्स के जरिए हो सकती है। फ्रेम सेट जो टैग है, ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी ब्राउजर विंडो को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दें, अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड कर दें, मे बी रो वाइज या कॉलम वाइज,
और फिर उन अलग अलग फ्रेम्स में, उन अलग अलग रोज कॉलम्स में आप अलग अलग HTML पेजेस डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? समझ में आई बात कि फ्रेम सेट टैग से हम क्या कर रहे हैं? फ्रेम सेट टैग के द्वारा हम अपनी एक सिंगल ब्राउजर विंडो को अलग अलग फ्रेम्स में विभाजित कर उसमें अलग अलग HTML पेजेस डिस्प्ले करते हैं, राइट? चलिए अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा टैग है, फ्रेम सेट टैग है, उसके अंदर कैसे ये चीज करी जाती है। तो एक फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे हमें सारे टैग्स का पता चल जाएगा और फिर दोबारा से यहाँ रिवाइज कर लेंगे बोर्ड पर। तो ये देखिए, एक उदाहरण आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, जिसमें ऐसा किया हुआ है। जैसे यहाँ पर हमारी एक फाइल है, उसको जब आप देखेंगे तो अलग अलग सेक्शंस आपको नजर आएंगे और अलग अलग पेजेस जो हैं वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी ये दो फाइलें हैं, मान लीजिए ये दोनों फाइलें हम एक साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ये देखिए आप, ये हमारी HTML फाइल है कंप्लीट, जिसमें हमने यहाँ पर तीन कॉलम्स में, तीन रोज में विभाजित कर रखा है पूरी ब्राउजर विंडो को। ये ऊपर एक पेज आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। आप इसको ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके पूरे पेज को देख सकते हैं। और ये देखिए, ये दूसरा पेज है, दिस इज अ वेब पेज जहां पर लिखा हुआ है, राइट? ये हमारा दूसरा पेज है, ये स्क्रॉल हो रहा है अलग से। ऊपर दिस इज अ हेडिंग दिखाई दे रहा है, ऊपर जाएंगे तो ऊपर का स्क्रॉल करके देख सकते हैं, फिर ये, और इसके बाद यहां पर ये देखिए, ये एक अलग पेज आ रहा है। तो ये तीन पेजेस हैं यहां पर अलग अलग रोज में। ये देखिए, ये स्क्रॉल हो रहा है तो वो नीचे वाला स्क्रॉल नहीं हो रहा क्योंकि हम इस सेकंड सेक्शन को स्क्रॉल कर रहे हैं। इसी तरह से ये देखिए, तो ये तीन रोज दिखाई दे रही हैं, तीनों में अलग अलग फाइल है। ये देखिए, ये ऊपर अलग फाइल है, ये नीचे अलग फाइल है और ये अलग फाइल है। तो अगर इस तरह से आप कुछ करना चाहते हैं तो फ्रेम्स के द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर हमने ब्राउजर विंडो को तीन रोज में विभाजित कर रखा है और तीनों फ्रेम्स, ये तीन फ्रेम्स कहलाते हैं, ये पहला फ्रेम, ये दूसरा फ्रेम और ये तीसरा फ्रेम। इन तीनों फ्रेम्स में हमने अलग अलग HTML फाइल डिस्प्ले कर रखी है। जैसे यहां पर हम चाहेंगे हेडिंग दिखती रहे, यहां पर हमारा जो कोई भी मैसेज है वो चीज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो डिस्प्ले होता रहे, और यहां पर कोई फॉर्म है वो डिस्प्ले होता रहे। तो आपको कैसा लग रहा है, एक ही ब्राउजर विंडो में तीनों पेजेस देख पा रहे हैं? इस तरह से कभी आपको करना है अपनी वेब पेज में, वेबसाइट में, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसका कोड हम देखते हैं नोटपैड में ओपन करके। ये देखिए, ये कोड है HTML टैग। अब यहां पर आप एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें बॉडी टैग नहीं आएगा। जब आप फ्रेम सेट करेंगे, आप अपनी ब्राउजर विंडो को अलग अलग फ्रेम्स में विभाजित कर रहे हैं, इसके अंदर बॉडी टैग नहीं आएगा, केवल HTML टैग आएगा। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रेम सेट, आप अपने ब्राउजर विंडो को कितनी रोज या कितनी कॉलम्स में विभाजित करना चाहते हैं, कितने फ्रेम्स बनाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली बनाना चाहते हैं फ्रेम्स या वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली बनाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे रोज इक्वल्स टू, और फिर डबल कोट्स में आप परसेंटेज में बताएंगे कि आप कितना कितना पोर्शन उनका दिखाना चाहते हैं। एक तरह से रेशियो में डिवाइड करके आप बताएंगे यहाँ पर कि 10% स्पेस मिले पहले फ्रेम को, 80% दूसरे फ्रेम को और तीसरे फ्रेम को 10%, इस तरह से डिवाइड करके बताएंगे। ये चीज हमने कर दी, डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रेम, पहला फ्रेम, पहला फ्रेम उसका क्या नाम हो,
और उसमें कौन सी HTML फाइल डिस्प्ले हो। तो कौन सा टैग काम में लिया है? फ्रेम। फ्रेम, फ्रेम का नाम देने के लिए एट्रीब्यूट यूज करेंगे नेम, नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में उसको एक नाम दे देंगे। SRC अर्थात सोर्स, सोर्स इक्वल्स टू डबल कोट्स में HTML फाइल का नाम लिखेंगे जो कि हम उस फ्रेम में डिस्प्ले करना चाहते हैं। ये फ्रेम हो गया। उसके बाद दूसरा फ्रेम 80% वाला, इसका नाम बताया और सोर्स बताया। फिर तीसरे फ्रेम का नाम बताया और सोर्स बताया, और लास्ट में फ्रेम सेट टैग हमने क्लोज कर दिया और लास्ट में HTML टैग क्लोज कर दिया। तो ये इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अब मान लीजिए इसे कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं आप, तो यहां पे रोज की जगह क्या लिख सकते हैं? यहां पर आप अगर इसको वर्टिकली डिवाइड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कॉलम्स, COLS। सेव करके देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब हमने इस पेज को तीन फ्रेम्स में डिवाइड किया है, वर्टिकल फ्रेम्स हमने बनाए हैं। दिस इज अ हेडिंग, यहां पर हमारा ये दूसरा वेब पेज आ रहा है और यहां पर हमारा ये तीसरा पेज आ रहा है। यहां पर बाय डिफॉल्ट हमें ये स्क्रॉल बार्स मिलती हैं और हम पेज को वैसे भी स्क्रॉल कर सकते हैं और स्क्रॉल बार्स भी आ रही हैं। ये पेज हमारा पूरा आ गया इसलिए स्क्रॉल बार नहीं आ रही है, और आप फ्रेम्स को रीसाइज भी कर पा रहे हैं। ये देखिए, दिस इज नोन एज रीसाइजिंग, आप पेज को ब्राउजर में रीसाइज कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप सेटिंग्स कर सकते हैं, आपको स्क्रॉल बार देनी है या नहीं देनी, आप यूजर रीसाइज कर पाए या ना कर पाए, बॉर्डर्स आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं। तो ये सब चीजें भी हम इसमें करके देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे यहां पर ये जो हमारा लेफ्ट वाला है, एक सेंटर में है और एक राइट में है, तीन फ्रेम्स हैं। अगर हम चाहें तो दो में विभाजित कर सकते हैं, हम मोर देन तीन चार कितना भी फ्रेम्स में विभाजित करके देख सकते हैं। तो यहां पर जैसे हमने लिखा नो रीसाइज, नो रीसाइज, फाइल सेव, रिफ्रेश करते हैं इसको। अब देखिए क्या हो रहा है, आपने लेफ्ट वाले के लिए यानी कि इस वाले के लिए हमने लिखा है नो रीसाइज। नो रीसाइज प्रॉपर्टी से क्या होगा, आप इसको रीसाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं इसको रीसाइज नहीं कर पा रही हूं, यहां पर मुझे वो डबल हेडेड एरो ही नहीं मिल रहा जिससे हम रीसाइज करते थे, इसको हम कर पाएंगे। ये देखिए, यहां पर जाते ही बॉर्डर्स पर हमारे पास डबल हेडेड एरो आ गया जिससे हमने पेज को स्क्रॉल रीसाइज कर लिया, लेकिन इस पेज को हम रीसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रॉपर्टी की वजह से। हमने लिखा है इस फ्रेम में, इस फ्रेम के लिए हमने लिखा है नो रीसाइज। इसी तरह से अगर आप सभी फ्रेम्स के लिए कर देंगे इस तरह का, तो आप उसको रीसाइज नहीं कर पाएंगे। और जैसे भी हमने, जैसे यहां पर डिवाइड किया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 20%, और या फिर हमने इसको कर दिया 30%, और यहां पर इसको हमने कर दिया 60%, राइट? तो आप जिस तरह से भी दिखाना चाहते हैं उस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, अब ऐसा आ रहा है, लेकिन हम रीसाइज नहीं कर पाएंगे। इस वाले को हम रीसाइज कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा दिया है। अब ये स्क्रॉल बार्स आ रही हैं। अगर मान लीजिए आपको स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि स्क्रॉल बार आए या ना आए, तो उसके लिए आप एट्रीब्यूट लिखेंगे स्क्रॉल बार इक्वल्स टू नो और स्क्रॉल बार इक्वल्स टू यस। चलिए राइट वाले में हम लिखते हैं, हमने लिखा स्क्रॉल बार इक्वल्स टू नो। बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल बार्स आती हैं, बाय डिफॉल्ट हम रीसाइज भी कर पाते हैं। नो रीसाइज लिखकर हम बताते हैं कि रीसाइज नहीं करना है, यूजर नहीं कर पाएगा रीसाइज, और स्क्रॉल बार हम नो करते हैं तो स्क्रॉल बार्स नहीं आती, राइट? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप काम में ले सकते हैं।
अभी देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रही है, वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये कोई केवल वर्टिकल स्क्रॉल बार आ रही है। वर्टिकल स्क्रॉल बार के लिए भी आप मेंशन कर सकते हैं कि वो आए या नहीं आए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप फ्रेम्स पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस करेंगे उनको सेव करना है, और फिर पेज को जब आप रिफ्रेश करेंगे तब जाकर आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये चीज दिखाई दे रही है। राइट, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप काम में ले सकते हैं, इनसे आप बता सकते हैं। इसी के अलावा आप बॉर्डर्स बता सकते हैं, अगर आप बॉर्डर स्पेसिफाई करना चाहें, या फ्रेम का बॉर्डर अगर आपको देना है या नहीं देना, तो फ्रेम बॉर्डर भी बताया जा सकता है। फ्रेम का बॉर्डर एक अलग प्रॉपर्टी है और बॉर्डर एक अलग प्रॉपर्टी है। बॉर्डर में हम बताते हैं थिकनेस, और फ्रेम बॉर्डर में हम बताते हैं कि फ्रेम बॉर्डर यानी कि फ्रेम का जो बॉर्डर है वो आए या नहीं आए। राइट, तो बच्चों ये फ्रेम सेट टैग्स और फ्रेम टैग, दो टैग्स आपको याद रखने हैं। अगर आप पेज को, अपनी जो ब्राउजर विंडो है उसको आप चाहते हैं अलग अलग HTML पेजेस उसमें डिस्प्ले करना, अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड कर दें ब्राउजर विंडो को और अलग अलग HTML पेजेस उसमें हम डिस्प्ले करें, तो उसके लिए ये दो टैग्स हैं फ्रेम सेट, और फ्रेम सेट की ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में हम अलग अलग फ्रेम्स जो हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। राइट, चलिए बच्चों यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक से आने के बाद हम जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको जानेंगे। बच्चों इस ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और अभी हमने देखा कि HTML के द्वारा हमने क्या किया, ब्राउजर विंडो को अलग अलग फ्रेम्स में विभाजित कर लिया, और अलग अलग फ्रेम्स में हम अलग अलग HTML फाइल जो है वो डिस्प्ले करते हैं। तो चलिए एक बार बोर्ड पे और पढ़ लेते हैं हम।
कैसे हमने फ्रेम्स बनाए? सबसे पहले एक तो दो टैग्स हैं, एक है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट के अंदर आप बताएंगे सबसे पहली चीज कि जब आप ये फाइल बनाएंगे इसमें केवल HTML टैग आएगा, क्योंकि यहां पर आप बॉडी टैग नहीं लिखेंगे। बॉडी टैग में हम क्या बताते हैं? बॉडी टैग में हम देते हैं HTML फाइल का कंटेंट। इस फाइल का एक्सटेंशन HTML ही रहेगा, लेकिन इसमें कोई बॉडी टैग नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी टैग के अंदर हम पेज का कंटेंट बताते हैं। जबकि यहां पर क्योंकि हम फ्रेम सेट दे रहे हैं, हम केवल ये बताएंगे कि ब्राउजर विंडो को अलग अलग फ्रेम्स में किस तरह से डिवाइड करना है और अलग अलग फ्रेम्स में कौन कौन से HTML पेजेस हमें दिखाने हैं, इसलिए बॉडी टैग नहीं आएगा, राइट? तो सबसे पहले हमने HTML टैग दिया। HTML के बाद हमने दिया फ्रेम सेट टैग, और फ्रेम सेट टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे या तो रोज या फिर कॉलम्स, और इक्वल्स टू लगा के हम डबल कोट्स के अंदर पूरी एक पैरामीटर देंगे कि हमें अलग अलग जो फ्रेम्स हैं उनकी साइजेस क्या रखनी है। जैसे मान लीजिए मैं दो फ्रेम्स में डिवाइड करना चाहती हूँ ब्राउजर विंडो को, और मैं चाहती हूँ इक्वल इक्वल हो, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिख सकते हैं 50%, 50%, या फिर आप एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं अगर आप इक्वल डिवाइड करना चाहते हैं, तो एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक। जैसे यही चीज कॉलम्स में अगर करनी है, वर्टिकली डिवाइड करने हैं, तो आप एस्ट्रिक कॉमा एस्ट्रिक भी लगा सकते हैं। इससे ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली अपने आप, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल साइज में डिवाइड कर देगा, राइट? तो रोज हम लिख सकते हैं अगर हमें फ्रेम्स रोज में बनाने हैं, कॉलम्स में बनाने हैं तो कॉलम्स में। इसके बाद डबल कोट्स बंद कर देंगे हम। हमने बता दिया कि कितने फ्रेम्स बनाने हैं, हमने यहां दो पैरामीटर्स दिए हैं, इसका मतलब दो फ्रेम्स बनेंगे। अब पहला फ्रेम हमें देना है, तो उसके लिए हम फ्रेम टैग लगाएंगे। पहले हमने दिया था फ्रेम सेट, अब फ्रेम टैग लगाया। आप इस फ्रेम को एक नाम दे सकते हैं, कोई भी एक नाम आप इसको दे सकते हैं, जिससे कि आप इस फ्रेम को कभी और कहीं और भी एक्सेस कर सके। स्क्रिप्टिंग के द्वारा आप उसको एक्सेस कर इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आप लिखेंगे SRC, और SRC के अंदर आप पाथ और फाइल नेम देंगे, राइट? इस तरह से यहां पर हमने दो फ्रेम्स बताए हैं, तो दूसरा फ्रेम टैग भी आएगा। फ्रेम, उसका नाम, फिर SRC, और यहां पर आप अपनी फाइल का नाम बताएंगे, पाथ बताएंगे। अगर फाइल कहीं और है तो आपको उसका पाथ बताना ही पड़ेगा, और लास्ट में आपका फ्रेम सेट टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा, और HTML टैग भी क्लोज हो जाएगा। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि बॉडी टैग कहीं पर भी नहीं आएगा, क्योंकि इस HTML फाइल के द्वारा हम अपनी ब्राउजर विंडो को अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे हैं। जितने भी आपने रोज कॉलम्स में ब्राउजर विंडो को डिवाइड किया है, उतने ही फ्रेम्स टैग आप देंगे, और हर एक के अंदर SRC बताएंगे, सोर्स बताएंगे कि फाइल कौन सी है। अगर फाइल कहीं और है तो पूरा पाथ देना है, अगर सेम उस पे है लोकेशन पर दोनों, ये वाला कोड और आपकी फाइल, तो आप फाइल नेम केवल देंगे तो वो भी सफिशिएंट है। जैसे आपकी फाइल का नाम है student.html, तो student.html आप SRC में लिखेंगे, राइट? इसके अलावा इसमें कई प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास स्क्रॉल बार्स भी आएंगे, आप रीसाइज भी कर सकते हैं फ्रेम्स को रन टाइम पर, यानी ब्राउजर में जब आप देखेंगे अपनी वेबसाइट को तो आप रीसाइज कर सकते हैं फ्रेम्स को, इनमें स्क्रॉल बार्स आएंगे, उनके उनसे आप पेज को ब्राउज कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ नो रीसाइज से क्या होगा, केवल इस फ्रेम को हम रीसाइज नहीं कर पाएंगे, राइट?
तो इसी तरह से अगर आप फ्रेम्स के लिए आप बताते हैं स्क्रॉल बार आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप स्क्रॉल बार को नो या फिर यस कर सकते हैं। इसी तरह से आप बॉर्डर बता सकते हैं, बॉर्डर में आप बताते हैं पिक्सल्स में कितना बॉर्डर हो। एक होता है फ्रेम बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर की जो वैल्यू होती है वो या तो जीरो होगी या वन होगी। तो जीरो का मतलब है फ्रेम बॉर्डर नहीं आएगा और वन मतलब है कि वह आएगा। तो वन मीन्स येस एंड जीरो मीन्स नो, नो फ्रेम बॉर्डर। और अगर आपको फ्रेम का बॉर्डर देना है तो आप उसको वन कर दीजिए, राइट। तो इस तरह से एक ब्राउजर विंडो को अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड करके आप उसमें अलग अलग HTML पेजेस दिखा सकते हैं, राइट। तो फ्रेम टैग क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिव टैग की तरफ। डिव टैग जो है उसके द्वारा भी हम अपने एक HTML फाइल को अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर, उस पर अलग अलग CSS अप्लाई कर अलग अलग ब्लॉक्स को अलग अलग लुक प्रदान करते हैं। बेसिकली डिव टैग का क्या यूज है कि डिव टैग आपने लिखा, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप जो भी कुछ चीजें लिखेंगे वो उस ब्लॉक की हो जाएंगी। तो आप अपने कंटेंट को की ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट है, एक अपना आपका जो वेब पेज है उसमें आपने एक आर्टिकल भी लिख रहे हैं, आप एक फॉर्म भी बना रहे हैं, यहाँ नीचे कोई टेबल भी दिखा रहे हैं आप। तो आप अलग अलग चीजों को अलग अलग वे में ग्रुप करके दिखा सकते हैं, रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपने अपनी जो HTML फाइल है उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो इससे आपको यह फायदा मिलेगा कि आप उन पे अलग अलग CSS अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। फाइल है, इस पर हम डिव टैग अप्लाई करके देखते हैं। इस फाइल को हम नोटपैड में ओपन करेंगे। अब जैसे यहां पर हमने ये एक आर्टिकल लिख रखा है तो इसको हम डिव के अंदर लिखेंगे और ये पैराग्राफ खत्म होने के बाद हम डिव टैग क्लोज कर देंगे। इस तरह से डिव टैग को यूज किया जाता है, डिव और डिव के अंदर जो भी आपका कंटेंट है वो। पर हमने डिव टैग दिया है। अब मान लीजिए मैं चाहती हूं कि इसके अंदर कोई भी पैरा है, कोई भी फॉर्म है या कोई भी, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज है इसको हमने डिव में डाल दी। अब हम इस पर कुछ सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम डिव में देख सकते हैं। जैसे डिव में यहां हमने दे दिया स्टाइल इक्वल्स टू, लेट से हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर रेड, कलर व्हाइट। ये कुछ चीजें हमने दी हैं और सेव करके देखते हैं। ये देखिए, रिफ्रेश करेंगे इसको, ये कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। के अंदर आप जो भी चीज देंगे, जैसे यहां पर हमने किया पर आपने स्टाइल दे दी तो ये पूरे डिव पर ये सारी स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगी।
आर्टिकल हमारा इस डिफ के अंदर है और जो भी चीजें हम इस डिफ पर अप्लाई करेंगे वो इस पूरे सेक्शन पर अप्लाई होंगी। इसी तरह से नीचे हमने कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको हम एक अलग डिफ के अंदर एक अलग सेक्शंस में लिख सकते हैं। डिफ का मेन यूज है कि आप अलग अलग सेक्शंस में विभाजित कर रहे हैं अपनी HTML फाइल को और उस पर अलग अलग CSS आप अप्लाई कर सकते हैं। आप CSS के अंदर अलग अलग क्लासेस देकर आप उन क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं डिफ पर, जैसे कि यहाँ हमने किया। अब जो भी डिफ पर आप देंगे वो पूरे डिफ पर अप्लाई होंगे। आपका ये जो पूरा यहाँ पर आपने कोई आर्टिकल लिखा है, कोई टेबल बनाई है या जो भी कुछ चीजें हैं, सब पर ये स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो बेसिक यूज डिफ का यही है कि हम इससे ग्रुप कर सकते हैं अपने कंटेंट को। एक HTML फाइल में हमने अलग अलग कंटेंट को अलग अलग ब्लॉक्स में ग्रुप कर दिया, तो यहाँ डिफ से हमारा एक क्या बन गया है, बेसिकली एक ब्लॉक बन गया है। ये एक ब्लॉक तैयार हो गया। अब इस अप्लाई कर सकते हैं, कोई क्लास अप्लाई कर सकते हैं, इसको कोई आईडी आप दे सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं इस सेक्शन की, और फिर आप स्क्रिप्टिंग के द्वारा इस डिव को एक्सेस कर सकते हैं, इसके कंटेंट को रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, इसकी स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं।